ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ବିବିଧତାର ଏକ ମଡେଲ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଆସିବା ଘରକୁ ଆସିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେମାନେ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ନୂଆ ବୈଶ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତର ଦକ୍ଷତା ଓ ଭୂମିକା ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରତିଟି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅନୁଭବ ଓ ପ୍ରୟାସ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି ଆପକୋ ଅବ ଭାରତ ମେ ନିବେଶ କେ ଲିଏ ଭି ପୁରେ ଉତ୍ସାହ ସେ ଆଗେ ଆନା ହୋଗା ଭାରତ ଅବ ଅଗଲେ 25 ବର୍ଷୋ ମେ ବିକଶିତ ହୋନେ କେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର କାମ କର ରହା ହେ ଇସମେଁ ଆପକୀ ଭୂମିକା ଭି ବଡି ହେ आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उससे जुड़ी संभावनाओं को जरूर भारत में एक्सप्लोर करें आज हर इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है भारत ब्राइट स्पॉट है भारत में इन्वेस्टमेंट की अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटी बन रही है आप भारत में इन्वेस्ट करिए और आप जो जब कह रहा हूं ना तो बाद में शिकायत मत करना कि मोदी ने तो बताया ही नहीं था अभी अवसर है और मैंने तो लाल किले से कहा था यही समय है सही समय है 21वीं सदी की दुनिया टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर ही आगे बढ़ेगी भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी का ये बहुत बड़ा आधार है हमारा स्पेस प्रोग्राम इसका प्रमाण है थुम्बा में जब साउडिंग रॉकेट स्टेशन के निर्माण की बात आई तो फ्रांस ही था जो मदद के लिए आगे आया उसके बाद से हम दोनों देशों ने स्पेस सेक्टर में बहुत लंबा सफर तय किया है आज हम एक दूसरे के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और आपको खुशी होगी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गुंज सुनाई दे रही है कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है